गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू टूडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा रिव्यू गुड वाइब्स के प्रोडक्ट के लिए। सो गुड वाइब्स इज अ स्किन केयर ब्रांड दैट इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन purple.com जो वेबसाइट है उस पर ये मिलता है एंड ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। ये फेमस ही इसी चीज के लिए क्योंकि ये रेंज बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है एंड इसमें बहुत ज्यादा वेरियंट्स मिलते हैं, तो इसलिए मैंने भी खरीदा खुद के पैसों से। इट इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, नॉट अ कोलैब वीडियो। एंड मैंने इसको यूज किया एंड अब मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ इन प्रोडक्ट्स के। सो इनफ ऑफ टॉकिंग नाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज गुड वाइब्स चेरी ब्लॉसम स्किन कामिंग मेकअप क्लेंजिंग लोशन। तो ये एक मिल्क क्लेंजर है जो हम अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। इट इज अ गुड प्रोडक्ट, इट लुक्स वेरी थिक एंड क्रीमी, लेकिन ये उतना थिक नहीं है विच इज अ गुड थिंग आई फील, क्योंकि काफी लोगों को थिक चीजें नहीं पसंद होती है। मुझे भी जरूर जरूर थिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं पसंद। ये प्रॉपर बैलेंस है यू नो बिटवीन द विस्कोसिटी, मतलब इसकी थिकनेस अच्छी है। काफी सारे ऐसे क्लेंजिंग मिल्क हैं जो कि आपकी स्किन को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है ये स्किन को ड्राई नहीं करता और ये अपना काम अच्छे से कर लेता है। दैट्स ऑल आई कैन से। इट रिमूव्स वाटरप्रूफ मेकअप ऑल्सो। कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा तारीफ करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है, अच्छा है। एंड इसका जो प्राइस है वो है ₹199, तो ₹199 में इट्स अ गुड प्रोडक्ट। नाउ द सेकेंड वन इज अ फोम फेस वॉश। तो ये मैंने खरीदा है वनिला फ्लेवर में। इसमें बहुत सारे वेरियंट्स थे, इतने सारे वेरियंट्स है ना गुड वाइब्स की जो स्किन केयर रेंज है उसमें कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको खरीदना क्या है। तो मैंने वनिला इसलिए लिया बिकॉज मुझे वनिला की खुशबू पसंद है। सो आई टुक दिस एंड इट इज फॉर ₹215 का ये आता है एंड काफी अच्छी बॉटल है, काफी अच्छी बड़ी बॉटल है। मुझे नहीं, मैं तो सरप्राइज हो गई थी इसकी बॉटल का साइज देख के कि अच्छा इतनी बड़ी बॉटल आई है। इट सेज दैट इट हैज नो पैराबेंस, नो सल्फेट्स एंड नो मिनरल ऑयल, विच इज अ गुड थिंग अगेन फॉर द स्किन, राइट? सो या दिस इज अ वनिला फ्लेवर एंड आई लाइक इट। नथिंग बैड टू से अबाउट इट, नथिंग ग्रेट अगेन, अच्छा प्रोडक्ट है तो मैं इसकी ज्यादा बुराई नहीं करूंगी। इट्स अ गुड प्रोडक्ट। Now coming to the third one is a face mist. I love face mist especially summers में, क्योंकि summers में काफी ज्यादा you know पसीना और चिपचिप हो जाती है face पे, तो face mist अच्छा काम करता है। ये जो है ये है नेरोली फ्लेवर में। नेरोली बेसिकली जो बिटर ऑरेंज होता है इसका फ्लावर को हम नेरोली फ्लावर बोलते हैं। इसमें भी पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है और ये क्रूल्टी फ्री भी है विच इज अमेजिंग। नाउ दिस इज फॉर ₹150 में ये आता है। ₹150 जिस हिसाब से स्किन केयर जा रहा है ₹150 में छोटा है ना ये, आई फील सो। बट या इट्स गुड, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, इट फील्स ग्रेट ऑन योर स्किन एंड इसकी खुशबू वो रात रानी वाले फ्लावर्स होते हैं ना छोटे छोटे व्हाइट कलर के, वैसी है। सो दिस इज ऑल्सो गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज एन एसेंशियल ऑयल। तो ये है गुड वाइब्स ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, अंदर से आई विल जस्ट शो इट टू यू कि कैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक दिस। तो अब मैं एसेंशियल ऑयल के बारे में आपको ये चीज बताना चाहूंगी, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको आप जरूर से मत यूज कीजिए। आप इसको दो ड्रॉप ही यूज कीजिए, वो भी आपके फेस पैक में। डायरेक्टली अप्लाई करने की गलती मत कीजिएगा, फेस पूरा जल जाएगा आपका। सो इट्स वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, इट वर्क्स गुड। हाउएवर विटामिन सी से ग्लो अगर वगैरह वगैरह आता है फेस पे, इतना कुछ खास तो नहीं पता चला इसको यूज करने से, बट हाँ इट्स ओके इफ यू वॉन्ट टू ट्राई यू कैन। हाउएवर इट्स ओके, मैं इसको दोबारा रिपर्चेज नहीं करूंगी। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट I have is pomegranate brightening scrub. So anything with brightening and glowy and you know, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है बिकॉज स्किन डल हो जाती है यार, ड्राई स्किन काफी ज्यादा डल लगने लगती है कभी कभी। सो ये है pomegranate brightening scrub. I love the packaging. Good vibes के product की packaging बड़ी सही है, बहुत अच्छी है। So it looks like this. You need very very little you need and it spreads amazingly and it works superb. मैंने इसको लगाया, मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई एंड मैं एक्चुअली फील कर पा रही थी कि मेरी स्किन पहले से ज्यादा ब्राइटन लग रही है, ग्लोई लग रही है, बहुत अच्छा है।
और उसकी खुशबू भी अच्छी है। ऑल्सो मैं ये बताना चाहूँगी कि सारे प्रोडक्ट्स में खुशबू है काफ़ी ज़्यादा, तो अगर आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स में सेंट्स नहीं पसंद तो आपको शायद ये रेंज पसंद नहीं आएगी। आई मीन आई फील सो, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। सो या दिस इज़ हाउ द स्क्रब लुक्स लाइक, वेरी ब्यूटिफुल स्क्रब, वेरी नाइस। अगर आपको अफोर्डेबल स्क्रब चाहिए तो आप ये ले सकते हो, इट इज़ फॉर ₹195 एंड ये बहुत दिन चलने वाला है, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, क्योंकि स्क्रबिंग आप ज़्यादा नहीं करते हो, हफ्ते दो हफ्ते में एक बार, सो इट विल गो फॉर अ लॉन्ग वे एंड ₹195 इज गुड इनफ। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द गुड वाइब्स ऑरेंज जेल। इट अगेन इट हैज़ नो पैराबेंस, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल एंड क्रुएल्टी फ्री भी है। बहुत अच्छी बात है कि इसमें सल्फेट्स, मिनरल ऑयल नहीं है और क्रुएल्टी फ्री भी है, ग्रेट। सो दिस इज़ अ ऑरेंज जेल। इसका जो कंटेनर है ये सबसे बड़ा कंटेनर आया है मुझे बाकी सारे प्रोडक्ट्स में से, इट्स ₹215, वर्थ एवरी पेनी गाइज। अमेजिंग प्रोडक्ट, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है, इट्स अ जेल एंड यू नीड वेरी लिटिल यू नीड। सो देख सकते हो जैसे ऑरेंजिश कलर का है, या सो यू नीड वेरी लिटिल एंड इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर पीपल विद ऑयली स्किन, जिनको यू नो ज़्यादा हैवी क्रीम्स नहीं पसंद वो लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं ड्राई स्किन की हूँ और मैंने इसे लगाया है, बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं करता है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन इट गिव्स एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। एंड इसमें इतना कुछ, इतना सारा यू नो प्रोडक्ट आया है कि ये पता नहीं कब तक चलने वाला है मेरा। सो या आई लव दिस वन, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्रोडक्ट्स इन गुड वाइब्स, मुझे बहुत पसंद आया। सो यस, नाउ द नेक्स्ट वन इज कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम। अगेन इसमें भी कोई सल्फेट मिनरल नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है ये भी। ये है ₹225 की एंड व्हेन यू ओपन इट दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट। सो इट्स अ बेसिक व्हाइट कलर का क्रीम, में कोई जेल नहीं है, ये क्रीम है। हाउएवर इसमें कोकोनट जैसी बिल्कुल भी खुशबू नहीं है, मतलब काम बहुत अच्छा करती है, नरिश करती है, इट यू एक्चुअली फील नरिश, यू नो जब आप इसे लगाते हो तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज और नरिश फील करती है, डेफिनेटली हैंड्स डाउन कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। लेकिन इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल भी कोकोनट जैसी नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हैवीली सेंटेड है, ये हैवीली फ्रेग्रेंस्ड है। तो जिनको नहीं पसंद है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, उनके क्रीम्स में या स्किन केयर प्रोडक्ट में सेंट, उनको ये क्रीम स्पेशल बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, ओनली बिकॉज ऑफ द स्मेल, बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस, बिकॉज ये इसमें परफ्यूम, कुछ पुराने परफ्यूम जैसी यू नो कुछ तो खुशबू आती है। आई वॉज थिंकिंग, सिटिंग एंड थिंकिंग कि कैसे परफ्यूम जैसी खुशबू है, बट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है परफ्यूम का, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा हैवीली परफ्यूम्ड क्रीम है। बट अगर आप सिर्फ नरिशमेंट और मॉइस्चराइजेशन चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज फेस जेल, अगेन इट इज़ द हाइड्रेशन फेस जेल, माई फेवरेट काइंड ऑफ फेस जेल। हाइड्रेशन वाली हर क्रीम मुझे बहुत पसंद है। इट्स द रोज़े फेस जेल, लुक्स लाइक दिस एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट, नथिंग बैड टू से अबाउट इट, नथिंग ग्रेट ईदर। मैं एनी डे ऑरेंज वाले को इसके ऊपर हमेशा लाइक प्रेफर करूंगी। ये भी अच्छा है, इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी है, ऑयली स्किन कैन यूज इट, एवरीथिंग इज गुड ग्रेट। बट या हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, बट टू अ सर्टेन लेवल, बहुत ज़्यादा नहीं, बट बिकॉज इट्स एन अफोर्डेबल स्किन केयर ब्रांड, ये चीज़ ठीक है, जाने दिया कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से अच्छी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ये। इट्स ₹175। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट, इट इज़ द रोज़िप स्किन ब्राइटनिंग फेस मास्क। लाइक आई सेड, कुछ भी ब्राइटनिंग या ग्लो वाला होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि स्किन डल हो जाती है। हाउएवर एक और ग्लो मास्क है विच इज़ वेरी फेमस, इट्स पपाया ग्लो मास्क, यू कैन यूज़ दैट, दैट्स वेरी वेरी गुड। मैंने इस बार ये नहीं यूज़ किया क्योंकि मैं ऑलरेडी उसे 1.5 साल पहले आई थिंक यूज़ कर चुकी हूँ, एक 1.5 साल हो गया मुझे, मैंने खरीदा था और मैंने यूज़ किया, मुझे काफ़ी पसंद भी आया। सो दिस इज़ द रोज हिप वन। नाउ वॉट टू से, दिस इज द, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा, इट इज़ सो नाइस एंड स्पेशली आपको बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है, एंड इसका जो फॉर्मूला है, आप फिंगर इस पर लगाओगे ना एंड व्हेन यू अप्लाई इट यू विल फील लाइक बटर, इतना स्मूथ फॉर्मुलेशन, इतना स्मूथ, ब्यूटिफुली स्मूथ एंड इट ग्लाइड्स ऑन योर स्किन सो ईजिली, इतनी आराम से आपके फेस पर लग जाता है एंड वॉश करने के बाद बिल्कुल भी फेस को ड्राई नहीं करता।
और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो देता है। मैंने कल रात को भी इसको लगाया था एंड आई वॉज लाइक सो हैप्पी विद द रिजल्ट। इट डज गिव अ ग्लो ऑन माई स्किन, बहुत अच्छी लग रही थी मेरी स्किन, बहुत ज़्यादा यू नो प्लम्पी लग रही थी, ब्राइटन लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। सो ओवर एंड ऑल मुझे बहुत पसंद है, आई लव दिस प्रोडक्ट। एक ऑरेंज जेल और एक ये रोजिप फेस मास्क मुझे बहुत अच्छा लगा। नाउ नेक्स्ट आई हैव टू सीरम्स। सो इट इज़ गुड वाइब्स विटामिन सी एंड विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम एंड रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम। सो बोथ आर लाइक दिस इज फॉर ग्लो, दिस इज फॉर ब्राइटनिंग। आई लव दिस वन। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसका फॉर्मूला मुझे इतना नहीं पसंद आया, एकदम पानी जैसा है, लेकिन जब तक रिजल्ट दे रहा है तब तक और क्या चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपकी स्किन एक्चुअल में ग्लो करती है, ब्राइट हो जाती है, बहुत ही सही तरीके से आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड अगर आप रात में लगा के सोएंगे तो आप नेक्स्ट डे डिफरेंस खुद ही देख पाएंगे, ये इतना अच्छा लगा मुझे। नाउ दूसरा वाला मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा लगा, विच इज़ द रोजेप रेडियंट ग्लो फेस सीरम। दिस इज़ माई फेवरेट फेस, वन ऑफ माई फेवरेट फेस सीरम्स। अगर मैं फ्यूचर में फेस सीरम पे बनाऊंगी वीडियो तो डेफिनेटली ये ज़रूर होगा उसमें, आई कैन गारंटी ऑन दिस वन। सो या दिस इज़ द वन दैट आई एब्सोल्युटली लव। क्यों? क्योंकि ये काम तो अच्छा करता ही है, आपकी स्किन को ग्लो देता ही है, लेकिन इसका फॉर्मूला एंड टेक्स्चर माइंड ब्लोइंग। यू फील लाइक यू आर होल्डिंग सम वेलवेटी यू नो टेक्स्चर जब आप इसको लगाते हो, इट ग्लाइड्स ऑन सो इजिली, सो बटरी, सो वेलवेटी, अमेजिंग, डेफिनेटली इट्स अ मस्ट बाय। लास्ट प्रोडक्ट इज अ लिप बाम। तो लिप बाम में मैंने मंगवाया है पीना कोलाडा लिप बाम। मैं चॉकलेट ट्राई करना चाह रही थी बट आउट ऑफ स्टॉक था, तो फिर मैंने पीना कोलाडा मंगवा लिया। सो इट्स बेसिकली अ पाइनएप्पल फ्लेवर and it comes in a packaging like this, plastic bottle है, अच्छी सी packaging है, luxurious सी, gold and rose gold is any time my favorite, so it this is how it looks like, and when you open it, you don't need a lot of product, that's a good thing, but ये okay है, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा great नहीं लगा, it does help in moisturizing but बहुत लंबे time के लिए नहीं, so it is an okay product, nothing bad, nothing great either, मैं इसको दोबारा नहीं खरीदूँगी। तो या एंड इसका जो प्राइस है वो है 125 rupees। 125 rupees के हिसाब से मैं डेफिनेटली इसको नहीं खरीदने वाली हूँ, उसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे लिप बाम्स मिल चुके हैं ऑलरेडी, जिसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं चेक किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे चेक कीजिए टॉप 5 लिप बाम्स का। सो या दैट्स द लास्ट वन। सो या दीज वो ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैंने गुड वाइब से खरीदे थे, आपने देखा कि मुझे कैसे लगे, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि आप मेरा कोई भी अगला वीडियो मिस ना करें। एंड मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।